ये आपकी आईसी एंड गेट की आईसी है 7408। ये हमारा ब्रेड बोर्ड है। इनका परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट हम लोग इस बोर्ड को यूज करते हैं। बोर्ड हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। देन ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है, दिखाई देगा। -5 होता है, ये +5 होता है, ग्राउंड होता है। हम लोग 5 वोल्ट प्लस की सप्लाई को यूज करेंगे, ग्राउंड का यूज करेंगे। देखिए अब हम लोग ग्राउंड वाले वायर को 7 वाली पिन में, पहले ग्राउंड वाले वायर को हम लोग नीचे वाले पिन में कनेक्ट करते हैं। इस पूरी रो में ग्राउंड की सप्लाई जाएगी, ठीक है। देन ऊपर वाली लाइन में हम लोग VCC कनेक्ट करते हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 वोल्ट की सप्लाई फ्लो होगी। आफ्टर डैट ये आपकी IC है, 3 वोल्ट की IC है। इसको हम लोग आउटपुट में यूज करेंगे। छोटी वाली पिन को हम लोग ग्राउंड करते हैं और बड़ी वाली पिन को हम लोग आउटपुट में कनेक्ट करते हैं। थर्ड पिन पे हमको आउटपुट मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको। इस प्रैक्टिकल की मदद से हम लोग ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 14 वाले पिन पे VCC को कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा VCC कनेक्ट हो गया। देन 7 वाले पिन पे हम लोग ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। ग्राउंड की सप्लाई यहाँ तक आ रही है, तो हमने 7 वाली पिन पे ग्राउंड की सप्लाई दे दी है। अब इस IC के अंदर करंट फ्लो स्टार्ट हो चुका है। हम लोग 2 इनपुट लेते हैं अपने, जो कि फर्स्ट हमारा पहली पिन पर होगा और दूसरा हमारा सेकंड पिन पर होगा, A और B। ठीक है, अब तो टेबल में सबसे पहले क्या आता है आपका, 0 0। जब दोनों इनपुट 0 0 हैं, 0 का मीन्स होता है ग्राउंड। तो हम लोग पहले इनपुट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे इनपुट को भी ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और आउटपुट हमारा 0 आएगा। इट मीन्स हमारी LED नहीं जलेगी। जब हमने पावर सप्लाई ऑन कर दी तो LED नहीं जल रही है। हम LED को दोबारा पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे। जब भी आप अपने इनपुट को चेंज करें तो आप पावर सप्लाई ऑफ करेंगे। अब मैं B को 1 कर देता हूँ, इट मीन B को हम लोग VCC से कनेक्ट कर देते हैं। देन पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। इट मीन्स 0 1 पर आउटपुट 0। देन अब A को 1 एंड B को 0 पावर सप्लाई जब हम ऑन करेंगे तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। लास्ट स्टेप दोनों 1 1। ये हमारा ऑलरेडी 1 है, हम B को भी 1 कर देंगे। पावर सप्लाई जब हम ऑन करेंगे तो हमारी LED जल जाएगी। इट मीन्स हमारा आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने इस वीडियो में एंड गेट का थ्योरी, प्रैक्टिकल, देन एप्लीकेशन जो आपको बताई थी फिल करने वाली कैन को, देन इलेक्ट्रिक डायग्राम, जो इलेक्ट्रिक डायग्राम इस तरीके से वर्क करता है। एक IC में आपके 4 इलेक्ट्रिक डायग्राम होते हैं, ये हमने इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको और गेट का इंट्रोडक्शन देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट, शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।